फ्रेंड, मैं अनीता अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। सभी घरों में गाजर का हलवा काफ़ी पसंद किया जाता है, ठंडियों में इसे खासकर खाया जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है गाजर का हलवा। चलिए आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताने जा रही हूँ हलवाई स्टाइल में गाजर का हलवा कैसे बनाना है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। उसके लिए मैं सामग्री क्या ली हूँ वो आपको बता देती हूँ। देखिए, ये मैंने आधा किलो गाजर ली हूँ जिसे मैं धो के छिलके रेस ली हूँ, और ये मैं 4 चम्मच घी ली हूँ, शुद्ध देसी घी लेना है, और ये ड्राई फ्रूट्स में बादाम ली हूँ जिसे लंबे टुकड़ों में मैंने काटा है, ये नारियल है जिसे भी लंबे टुकड़ों में मैंने काटा है, और ये 1 गिलास दूध है, और ये कुछ इलायची है। चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, इसके लिए मैंने पैन लिया है, भारी तले वाला पैन लेना है या कढ़ाई लेना है, जो भी आप लेना चाहें। गैस ऑन करके इसे धीमी आंच पे रख देना है। थोड़ा सा बर्तन गर्म हो जाए तो इसमें घी डाल देना है। ये मैं घी डाल दूंगी। घी थोड़ा मेल्ट हो जाए तो फिर इलायची डाल देना है। ये देखिए, कूट के मैंने इलायची रखी है, वो डाल दूंगी। अब इस पैन में अपना गाजर डाल दूंगी। इसे चला लेना है। ये देखिए, घी में पड़ते गाजर ऑरेंज हो गई है, थोड़ा थोड़ा कलर इसका चेंज हो रहा है। रेड वाली गाजर है मेरी, बहुत मीठी होती है, ठंडियों में इसी का हलवा बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप भी ज़रूर ठंडियों में गाजर का हलवा ट्राई करें। इसे घी में भूनना है, 5 से 10 मिनट भूनेंगे। थोड़ा गाजर का पानी जब सूख जाएगा तो इसमें चीनी ऐड करना है। चलिए इसे भूनते हैं 10 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। अब मैं यहाँ दूध ऐड कर दूंगी। मैंने 1 गिलास दूध लिया है, आप चाहें तो और भी ले सकती हैं। हलवाई स्टाइल में बना रही हूँ इसलिए मैंने दूध कम यूज कर रही हूँ। अब तब तक पकाना है जब तक ये दूध भी ना सूख जाए। 15 से 20 मिनट लगेंगे ये दूध मेरा सूख जाएगा। उसके बाद चीनी ऐड करना है। ये देखिए, बीच बीच में चलाना है, नहीं तो गाजर नीचे लगने का डर रहता है। ये देखिए फ्रेंड, ये 100 ग्राम चीनी है मेरी, आधा किलो गाजर है मेरी। तो मैं आपको चीनी बताना भूल गई थी कि मैं
चीनी ली हूँ, जिसे मैं बोलना भूल गई कि चीनी मैं ली ही नहीं थी। अब जब तक मेरा दूध नहीं सूख जाता तब तक हमें 15 से 20 मिनट तक इसे पकाना है दूध में। 15 मिनट हो गए हैं, ये मेरा दूध लगभग सूख चला है। दूध डालने से इसका गाजर का कलर ऑरेंज हो गया पूरा। गाजर को गलाने के लिए बस दूध में इसे पकाते हैं। देखिए मेरी गाजर गल भी गई है। और ये दूध भी पूरा सूख गया है। अब यहाँ पे चीनी ऐड कर दूंगी। दूध पूरा सूख गया है। ये देखिए चीनी ऐड कर दूंगी। 100 ग्राम चीनी है मेरी, आधा किलो गाजर है मेरी, तो 100 ग्राम चीनी एकदम परफेक्ट है। ये देखिए चीनी डालने से इसका कलर डार्क हो गया है, चीनी इसमें घुल गई है और ये कलर एकदम छोड़ दी, पूरा कलर डार्क हो गया है। अब इस पानी को भी, जो चीनी पानी छोड़ दी है उसको भी सुखा लेंगे। इसके लिए भी 15 मिनट और पकाएंगे तो ये चीनी का पानी भी सूख जाएगा। गाजर का कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं इसको ढक के नहीं पकाया, नहीं तो गाजर का हलवा यदि ढक के पकाएंगे तो इसका कलर चला जाता है लाल कलर और देखने में भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसे खुला ही पकाया है। देखिए अभी 10 मिनट बाद ये चीनी भी सूख जाएगा, चीनी का पानी भी छोड़ा है। 15 मिनट और ऐसे ही पकने देते हैं और बीच बीच में चलाना है इसे। ये देखिए फ्रेंड चीनी का पानी भी सूख गया है, थोड़ा बहुत बचा है हल्का, ये सूख जाएगा पूरा अच्छे से। मेरा हलवा पक जाएगा। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ। ये देखिए बादाम, नारियल, हलवा का कलर बहुत ही अच्छा आया है, डार्क हो गया है पूरा रेड, थोड़ा बहुत पानी है वो भी सूख जाएगा, एकदम अच्छे से मेरा हलवा पक जाएगा। ये देखिए पूरा अच्छे से पानी सूख गया है चीनी का, मेरा हलवा एकदम तैयार हो गया बिल्कुल, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा। चलिए यहाँ पे देसी घी डाल देते हैं एक चम्मच और, जिससे हमारे हलवे का कलर में शाइनिंग आ जाएगी और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा और इसकी स्वाद भी बहुत अच्छा लगेगा और बढ़ जाएगा।
ये देखिए हलवे में से किनारे में हलवे के किनारे से घी छोड़ दिया है हलवा। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। देखिए ये एकदम गैस की फ्लेम को मैंने एकदम लो किया हुआ था 5 मिनट के लिए और अच्छे से इसमें भून गया है हलवा घी में और मैंने ऊपर से घी डाला। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। हलवाई लोग ऐसे ही बनाते हैं बिना खोए के और ऊपर से खोआ ऐड करते हैं। पूरा घी में ही उन लोग हलवा बनाते हैं। उसी तरह मैंने भी बनाया है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा खोआ ऐड कर लेते हैं इसमें जिसे मैं घर पे बनाई थी। हल्का सा खोआ ऐड करके 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। देखिए ये मेरा बिल्कुल हलवा हो गया है। अभी इस स्टेज पे हम गैस बंद कर दे रहे हैं। मेरा हलवा बनके एकदम तैयार हो गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए इसे मैं प्लेट पे सर्व कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड मैंने हलवा को और खोए को साथ में सर्व कर लिया। अब खोया मिला के इसी तरह हलवे में और खा सकते हैं और इसी तरह गेस्ट आए तो सर्व कर सकते हैं खोए के साथ में हलवा। और भी स्वादिष्ट लगेगा खोए के साथ। गाजर का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप भी चाहें तो इसी तरह सर्व कर सकते हैं गेस्ट को या घर में भी खाना है तो इसी तरह खोए के साथ मिला के खा सकते हैं। खोए के साथ मिला के खाने से उसका गाजर के हलवे का स्वाद और भी बढ़ जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरा भी हलवा देखने में और खाने में बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।